शहीद किसान अमर रहे, 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 शहीद किसान भाई। बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, किसानों का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, किसानों का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तमाम किसानों का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, 700 किसानों का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, 700 किसानों का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, 700 किसानों का ये बलिदान याद करेगा। किसान भाई अपने सारे मतलब बच्चे को भी लेके बैठे रहते थे आंदोलन में, तो आज सरकार जागी है, पहले से ही ऐसा हो जाता तो हमारे जो हमारे शहीद हुए 700 तो उनकी जान तो न जाती, तो मैं चाहूंगी कि हमारे किसान भाइयों को इंसाफ मिलना चाहिए और हम उनके साथ में रहेंगे। भैया आंदोलन कर रहे थे और जब ही यदि उनकी मांग मान ली जाती, जबकि सभी को पता था कि ये तीनों कानून काले कानून गलत हैं, कृषि की उपज का कोई पैसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल सरकार के पास बंधुआ रखे जाएंगे, ऐसी हालत में सोचते हुए भी किसान आंदोलन कर रहे थे, उनके बीवी बच्चे वहाँ सड़कों साथ में पड़े हुए थे। इस बीच में 700 किसानों के परिवार, मैं तो कहूँगा परिवार ही खत्म हो गए, उन किसानों का परिवारों का भरण पोषण कौन करेगा? मोदी जी को सोचना चाहिए, उनके परिवारों को उनके गोद लेना चाहिए, उनके एक एक परिवार के साथी को एक एक परिवार के आदमी को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। मैं उनसे मांग करता हूँ, आज ये किसानों की जीत हुई है, एक किसानों की जीतनी हुई है, हिंदुस्तान के हर गरीब आदमी की, हर मजदूर की, हर किसान की, हर आदमी की जीत हुई है। ऐसे काले कानून यदि मोदी जी हम पर ला देंगे तो उसका विरोध होगा और वापस करने पर हम मजबूर होंगे।